बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नए आयाम स्थापित कर रहा है, दुनिया में भारत की एक नई छवि बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजीव बिंदल ने कहा है कि श्री राम मंदिर का निर्माण एक अलग प्रकार का अलौकिक घटना है। राम मंदिर के साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण यानी राम से राष्ट्र तक का निर्माण जो है वो राज्य की कल्पना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अपने विशिष्ट नेतृत्व के कारण भारत को अलग प्रकार का लाभ होता हुआ लगातार दिखाई देता है। हमारे सामने की घटना है, 26 जनवरी का दिन है, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की सड़कों के ऊपर और मोदी जी के साथ प्रवास करते हैं, घूमते हैं, लोगों को मिलते हैं और पब्लिक में बैठ करके चाय पीते हैं। ये एक बहुत बड़ी नई बात है कि दुनिया के एक महत्वपूर्ण देश का राष्ट्रपति और जयपुर की सड़कों के ऊपर घूमता है, खरीदारी करता है। इससे भारत की छवि दुनिया के अंदर अलग प्रकार की बनती है। हमने देखा G20 के अंदर दुनिया के देश भारत के विभिन्न प्रांतों के अंदर उनके प्रतिनिधि गए, उन्होंने भारत की संस्कृति को देखा, भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के जो आर्टिजन्स हैं वो क्या क्या चीजें बनाते हैं उसको देखा, हम क्या पैदा कर सकते हैं दुनिया में, हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको क्या आवश्यकता है, उनकी क्या इंपोर्ट की आवश्यकता है उसको उन्होंने देखा और भारत की आर्थिकी को मजबूत करने का एक नया सिलसिला माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के और भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। ये केवल अंतर्राष्ट्रीय छवि का सवाल नहीं, हम रोजगार के अलग प्रकार के अवसर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने देखा 5 साल 7 साल पहले तक भारत ये जो मोबाइल 90% मोबाइल भारत इंपोर्ट करता था, चीन से करता था, जापान से करता था, कोरिया से करता था, और आज 90% मोबाइल भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। ये जो आदान प्रदान माने मोदी जी के कारण हुआ उसके कारण संभव हुआ है और लाखों लाखों बच्चे इस रोजगार के अंदर आज जुड़े। हमारा जो नौजवान वो सीमाओं के ऊपर लड़ता है, अपना प्राण देता है, बरसों बरसों से वो ये कहा करता था कि कोई ना कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर 26 जनवरी 15 अगस्त को और श्रद्धांजलि दी जाए। अलबत्ता इंडिया गेट के ऊपर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होता था, परंतु ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया एक स्मारक, हम उसी को स्मरण करते थे, वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए, उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। एक अलग से हमारे सैनिक जो भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण देते हैं, ऐसे सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्राण देने वालों के लिए अलग से स्मारक बना करके हमने देखा 26 जनवरी को वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का।